Hello friends, today we are going to study about mutation in this video. Welcome to my channel Learn With Me और मैं हूँ शीलू पचौरी. म्यूटेशन समझने से पहले हमें ज़रूरी होगा सेल का स्ट्रक्चर समझना. सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटीन्स और ये क्रोमेटीन्स बनते हैं डीएनए से. यही डीएनए सेल डिवीजन के टाइम पर कंडेंस होकर इस तरह से क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ले लेते हैं. सो एक्चुअली क्रोमोसोम्स क्या है? डीएनए का ही कंडेंस्ड रूप है. डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें 4 नाइट्रोजन के बेसिस प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस एंड दीज बेसिस आर एडेनिन, ग्यूनाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन. एडेनिन इज रिप्रेजेंटेड एज ए, ग्यूनाइन इज रिप्रेजेंटेड एज जी, साइटोसिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से और थाइमिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से. डीएनए के अंदर यही चारों नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. एडेनिन सिर्फ थाइमिन के साथ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं और साइटोसिन सिर्फ ग्यूनाइन के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी इंडिविजुअल के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का. यहाँ पर कोई स्ट्रैंड है जिसका सीक्वेंस है ए जी टी सी सी ए टी जी, कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लीजिए, पर हर इंडिविजुअल का डीएनए डिफरेंट होगा और एक स्पेसिफिक डीएनए के ही फ्रेगमेंट्स होंगे या फिर सीक्वेंस होगा. अब क्या होता है, डीएनए की ये सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है बेटा, ये है सिंगल स्ट्रैंड. यहाँ पर जो इमेज दिखाई है ये डबल स्ट्रैंड्स है, दोनों तरफ स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की. अब ये जो न्यूक्लियोटाइड के बेसिस हैं ये तीन तीन के सेट्स में बनाते हैं कोडॉन्स, इन्हें हम कहते हैं कोडॉन्स. दीज कोडॉन्स कोड्स फॉर सर्टेन अमाइनो एसिड्स. ये आपको आगे हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही. अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो सेट्स बने हैं तीन तीन के कोडॉन के, ये किसी किसी अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं. हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, 4 से. ये जो अमीनो एसिड्स बनेंगे, ये अमीनो एसिड्स बाद में सब एक साथ जॉइन होकर बनाते हैं प्रोटीन. तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. तो जब भी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, डीएनए में जो भी कोड होगा वो उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे और ये अमीनो एसिड्स फिर प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगे जो हमारी बॉडी को ग्रोथ और मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगी. म्यूटेशन के टाइम पर अगर इस सीक्वेंस में कोई भी चेंज आ जाए तो हम उसे म्यूटेशन कहते हैं. लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे सी में कोई म्यूटेशन आया जिसकी वजह से वो डिलीट हो गया, या फिर कोई और ऐसा म्यूटेशन आया जिसमें एक नया न्यूक्लियोटाइड आकर ऐड हो गया, तो पूरी की पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी और इसे हम कहेंगे म्यूटेशन. तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन कोई सडन या फिर हेरिटेबल चेंज होता है जो इंडिपेंडेंटली एनवायरनमेंट में होगा एंड दे लाइएबल टू प्रोवाइड अ परमानेंट स्टेप ऑफ विच एवोल्यूशनरी चेंजेस में बी बिल्ड. म्यूटेशन अच्छे भी हो सकते हैं और कभी कभी बुरे भी हो सकते हैं. जो जितने भी एवोल्यूशंस हुए हैं ये एक्चुअली म्यूटेशन की वजह से हुआ है और कई सारे ऐसे अलग टाइप्स के एबनॉर्मैलिटीज आ जाती हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी द फीचर्स ऑफ म्यूटेशन. द फर्स्ट वन इज इट इज़ परमानेंट. इट मीन्स इट कॉजेज अ परमानेंट चेंज इन द डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर कोई भी स्ट्रक्चर में या फिर डीएनए के मॉलिक्यूल में चेंज आया तो वो परमानेंट रहेगा. द नेक्स्ट थिंग इज दे आर हेरिटेबल चेंजेस. नाउ हेरिटेबल चेंजेस मीन्स अगर कोई म्यूटेशन हुआ है सोमैटिक सेल में तो फिर सोमैटिक सेल का जब माइटोसिस होगा और सेल डिवाइड होंगे देन दैट काइंड ऑफ म्यूटेशन विल ट्रांसफर टू द डॉटर सेल एज वेल. और इस टाइप्स के म्यूटेशन को हम कहते हैं सोमैटिक म्यूटेशन. सोमैटिक म्यूटेशन जब सोमैटिक सेल में हुआ. द सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज व्हेन द म्यूटेशन अकर्स इन द गैमेट्स. गैमेट्स का मतलब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेल्स में गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स और फीमेल में गैमेट्स होते हैं ओवम्स. जब इनके अंदर कोई भी म्यूटेशन होगा तो वो म्यूटेशन फिर ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसफर होंगे और इस टाइप के म्यूटेशंस को हम कहते हैं जर्म म्यूटेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जस्ट मिनट
या देन इट इज़ कॉल्ड जर्म म्यूटेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जर्म म्यूटेशन एंड सोमैटिक म्यूटेशन। द नेक्स्ट वन इज इट अकर्स रैंडमली एंड स्पॉन्टेनियसली, कहीं भी कभी भी हो सकता है। इट चेंजेस द जेनेटिक मैसेज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डीएनए में जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज हैं वो एक्चुअली एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में हैं जो कोई मीनिंगफुल मैसेज दे रहे हैं। और वो मैसेज क्या होगा? अमीनो एसिड का सीक्वेंस। वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में कैसा प्रोटीन होना है, कैसे सारे स्ट्रक्चर्स होने हैं, ये सब ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ही डिसाइड करेंगे। तो अगर इसमें कोई भी चेंज आ गया तो पूरा का पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर जेनेटिक मैसेज चेंज हो जाएगा। इसी को हम कह रहे हैं इट चेंजेस द जेनेटिक मैसेज। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ म्यूटेशंस। नाउ देयर आर बेसिकली टू मेन टाइप ऑफ म्यूटेशन। द फर्स्ट वन इज जीन म्यूटेशन एंड द सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं इनमें अगर किसी छोटे से पार्ट पर कोई चेंज आता है तब हम उसे कहेंगे जीन म्यूटेशन। और क्रोमोसोम्स क्या होंगे? अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है तब हम इसको कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन टू टाइप्स के होंगे, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देन क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रक्चरल वेरिएशन एंड न्यूमेरिकल वेरिएशंस। इसको हमने अभी आगे और डिटेल में डिस्कस करना है। स्ट्रक्चरल वेरिएशंस में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन होगा, और न्यूमेरिकल वेरिएशंस में एन्यूप्लॉयडी एंड पॉलीप्लॉयडी होंगे। फिर एन्यूप्लॉयडी के भी टू टाइप्स हैं, दैट इज ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। अब ये क्या है, आइए इनको और अच्छे से समझते हैं। सो द फर्स्ट वन इज जीन म्यूटेशन का पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन results in alterations in the sequence of bases or change in the base, और जिसकी वजह से पूरा पूरा genotype या फिर phenotype organism का change हो जाता है। वो mutation जहाँ पर कोई single base change हो जाए और उसके बदले कोई गलत nucleotide आकर attach हो जाए, ये है base pair mismatch। C के बदले T आकर attach हो गया, ये सिर्फ एक example है, इसके बदले ये कुछ भी हो सकता है। Depends on the type of mutation. तो यहाँ पर कोई गलत base pair आकर attach हो जाए उसको हम कहेंगे point mutation. इस picture में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि G के साथ C attach होना चाहिए था normal scenario में, mutation हुआ और C के बदले T आकर attach हो गया। तो ऊपर वाली strand तो एकदम correct है पर नीचे वाली strand में mutation हो गया। अब जब ये दोनों strand separate होंगी और अपने अपने डॉटर सेल में जाएंगी तो ऊपर वाली स्ट्रैंड नॉर्मल डीएनए का सिंथेसाइज करेगी, पर जो नीचे स्ट्रैंड गई है जिसमें म्यूटेशन हो गया, अब जब रेप्लिकेशन होगा तो ये टी अपना कॉम्प्लीमेंट्री ए ऐड कर लेगा और एक अलग ही डीएनए का सीक्वेंस बन जाएगा विच वॉज नॉट देयर इन द पेरेंटल जेनरेशन। इसको हम कहते हैं म्यूटेंट्स। यहाँ पर एक छोटा सा बेस या फिर एक छोटा सा पॉइंट में चेंज आया, इसलिए हमने इसे कहा पॉइंट म्यूटेशन। नाउ द सेकेंड वन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये जीन म्यूटेशन का सेकेंड टाइप है जहाँ पर पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है। अब शिफ्ट कैसे होती है? या तो कोई न्यूक्लियोटाइड आकर ऐड हो जाता है या तो कोई न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर एक पर्सन है जिसका डीएनए का सीक्वेंस कुछ ऐसा है, दैट इज जी ए टी सी जी टी ए सी ए टी ए टी ए, और ये कोड कर रहे हैं डिफरेंट काइंड के अमीनो एसिड्स के लिए लाइक ल्यूसीन, एलेनिन, सिस्टीन, और ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, यहाँ वाले पार्ट पर इन्होंने रिप्रेजेंट करा है एक म्यूटेशन। कोई म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर आप इस इधर देखिएगा, म्यूटेशन की वजह से जी आकर अब अटैच हो गया विच वॉज नॉट देयर अर्लियर। अब तीन तीन के सेट में ये कोडॉन्स बनते हैं तो जी ए टी क्योंकि यही म्यूटेशन से पहले वाला पार्ट है तो ये तो सेम रहेगा, पर इसके बाद जितने भी सीक्वेंस थे ये सब चेंज हो जाएंगे
क्योंकि अब जी आकर अटैच हो गया है, तो अब क्या सीक्वेंस बनेगा, अब क्या कोडॉन्स बनेंगे, जी सी जी जो कि पहले नहीं था, फिर टी ए सी, ए टी ए, टी ए और इसके आगे जो भी होंगे वो उसके साथ, इमेजिन करो यहाँ पर ए है तो अब ये इसके साथ प्रेजेंट हो गया, फिर इसके साथ कोडॉन्स का फॉर्मेशन करने लग गया। तो पहले ये जो सी जी टी था विच वॉज कोडिंग फॉर एलेनिन, अब वो जी सी जी बन गया है और उसने आर्जिनिन के लिए कोड करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे ही टी ए सी ने मिथियोनिन के लिए कोड करना शुरू कर दिया। सारे के सारे जितने भी इसके बाद बेसिस आएंगे वो अपना नॉर्मल अमीनो एसिड छोड़कर कुछ अलग ही अमीनो एसिड्स के लिए कोड करने लगेंगे विच वॉज नॉट नीडेड इन आर बॉडी, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में होता है म्यूटेशन। और ऐसे म्यूटेशन से कोई भी अलग अलग काइंड की डिजीज हो सकती हैं, या फिर एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, या फिर किसी भी इंडिविजुअल का फिनोटाइप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था नॉर्मल केस और ये है म्यूटेशन। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझाती हूँ। एक सेंटेंस है द रेड कैप, आपको इन वर्ड से कोई मीनिंग समझ में आ रहा है? एक कैप है जो रेड कलर की है, ठीक है, और ये तीन तीन के कोड्स में बने हुए हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। सपोज इमेजिन करिए गलती से एक वर्ड ई आकर यहाँ पर अटैच हो गया है, हमें इनको तीन तीन के ही सेट में रखना है, तो अब पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। टी ई एच कोई मीनिंग नहीं बन रहा, ई आर ई इसका भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा, डी सी ए एंड पी अपने आगे वाले न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बेस पेयर्स बनाएगा या फिर कोडॉन्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एकदम नॉर्मल केस था जहाँ पर कुछ हमें मैसेज मिल रहा था या फिर कोई मीनिंगफुल कुछ सेंसिबल चीज़ बन रही थी। म्यूटेशन हुआ इस वाले पॉइंट पर और सारा का सारा फ्रेम आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से सारे गलत गलत अमीनो एसिड्स बनने शुरू हो गए। अब हम बात करते हैं डिलीशन की। यही एक एग्जाम्पल ले लो द रेड कैप, इससे एक मैसेज मिल रहा है कि कोई कैप है जो रेड कलर की है। सपोज यहाँ पर टी का रिमूवल हो जाए या फिर टी डिलीट हो जाए तो हमारा सेंटेंस ऐसा बन जाएगा। अब अगर तीन तीन के कोडॉन्स बनाने हैं तो ना तो ये कोई मीनिंगफुल मैसेज दे रहा है, ना तो ये कोई मीनिंगफुल मैसेज दे रहा है, और इसके आगे जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा ये उसके साथ अटैच हो जाएगा और पूरी की पूरी फ्रेम इस डायरेक्शन पे शिफ्ट हो रही है ना बेटा? तो आपको दिख रहा होगा ये जो पूरी पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के डिलीट होने से या फिर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने से, इसे हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये कैसे हो रही है? अगर कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है या फिर कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाता है तब पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन के पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिस्कस कर लिए, अब सेकेंड आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोम्स बेटा आप लोगों को हमने पहले भी वीडियोस में बताया था कि हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन आर बॉडी। अगर इन 23 पेयर्स में, इनके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आता है तब हम उन्हें कहेंगे स्ट्रक्चरल वेरिएशंस या फिर स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। और इस नंबर पे जो कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर कोई भी क्रोमोसोम का नंबर कम या ज़्यादा हो जाए तब हम उसको कहेंगे न्यूमेरिकल वेरिएशंस। तो चलिए हम पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएशंस इन आर नेक्स्ट स्लाइड। ये है क्रोमोसोमल वेरिएशन का स्ट्रक्चरल वेरिएशन। अब कौन कौन से स्ट्रक्चरल वेरिएशंस आ सकते हैं? फर्स्ट वन इज डिलीशन। दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स को लेबल कर दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से, ताकि आप इजली उसको समझ सकें। यहाँ पर एक छोटे से इस वाले पार्ट पर कोई म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ये वाला पार्ट रिमूव हो गया। अब ऐसे ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ए बी सी और जी एच आई ही रह जाएंगे और दिस पार्ट विल डिसअपेयर या फिर ये रिमूव हो जाएगा। तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले इट वॉज लाइक दिस एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस। स्ट्रक्चर में चेंज है बिकॉज ऑफ डिलीशन। व्हेन द स्मॉल फ्रेगमेंट या फिर स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स इज डिलीटेड देन वी कॉल देम
डिलीशन. द सेकेंड वन इज इन्वर्जन. यह है नॉर्मल डीएनए या सॉरी नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. इस क्रोमोसोम के इस वाले पार्ट पर ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से ये वाला पार्ट घूमकर इधर आ गया और ये वाला पार्ट घूमकर इधर आ गया. इसको हम कहते हैं इन्वर्जन. इसमें लेंथ तो सेम रहेगी पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. पहले इट वॉज लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और म्यूटेशन के बाद अब क्या बन गया ए बी सी एफ ई डी जी एच आई. तो यहाँ वाले पार्ट पर म्यूटेशन हो गया. दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड इन्वर्जन म्यूटेशन. नाउ द थर्ड वन इज डुप्लीकेशन. दिस इज अ नॉर्मल क्रोमोजोम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. ये है हमारा नॉर्मल क्रोमोजोम. कभी कभी ऐसे म्यूटेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से कोई भी छोटा सा फ्रेगमेंट हमारे ही क्रोमोजोम का डुप्लीकेट हो जाता है, उसकी एक और कॉपी बन जाती है. तो वहाँ वही चीज़ यहाँ पर हो रही है. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यहाँ तक तो नॉर्मल था पर इसने फ्रेगमेंट का फिर से एक डुप्लीकेशन हुआ और इसकी एक और कॉपी बन गई और वो इसी क्रोमोजोम के साथ अटैच हो गई. इस वजह से ये वाले क्रोमोजोम का भी स्ट्रक्चर चेंज हो गया. तो इन तीनों ही केस में क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसलिए हम इनको कहेंगे स्ट्रक्चरल वेरिएशंस. इतना आपको समझ में आ गया. चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम न्यूमेरिकल वेरिएशंस पर. क्रोमोजोम्स के दो वेरिएशंस थे, ये उसका सेकेंड पार्ट है. हमने अभी भी बताया था कि क्रोमोजोम में हमारी बॉडी में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं और ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. तो टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? 23 पेयर्स. न्यूमेरिकल वेरिएशंस दो टाइप्स के हो सकते हैं. एन्यूप्लॉयडी हो सकता है या फिर पॉलीप्लॉयडी. एन्यूप्लॉयडी वो केस है जहाँ पर कोई एक ही क्रोमोजोम का गेन या फिर लॉस हो, तब हम उसको कहेंगे एन्यूप्लॉयडी. अब इसके दो केस और हैं, ट्राइजोमी एंड मोनोजोमी. ट्राइजोमी में आपको याद है क्रोमोजोम्स पेयर्स में प्रेजेंट हैं तो 23 क्रोमोजोम्स बन रहे हैं. पेयर्स का मतलब दिस इज वन क्रोमोजोम, दिस इज अनदर क्रोमोजोम. ये दोनों पेयर्स में प्रेजेंट होकर हमारे कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं. ट्राइजोमी के केस में दो के बजाय तीन क्रोमोजोम्स आकर एक साथ सेट बना लेंगे. तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ट्राइजोमी प्लस वन, जिसकी वजह से अब टोटल कितने क्रोमोजोम्स हो गए? तीन क्रोमोजोम. दो होने चाहिए थे पर तीन हो गया बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. इसे हमने कहा ट्राइजोमी. और मोनोजोमी वो वाली सिचुएशन होगी जहां पर नॉर्मल केस में हमारे पास क्रोमोजोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना बेटा, इस तरह से. पर मोनोजोमी में क्या होगा? एक क्रोमोजोम खराब हो जाएगा या फिर डिसअपेयर हो जाएगा तो सिर्फ एक ही क्रोमोजोम बचेगा. ऐसे केस में हमारी बॉडी में कितने क्रोमोजोम्स रहेंगे? 45. इस केस में कितने हो जाएंगे? 47. ट्राइजोमी अगर होता है तो हमारी बॉडी में क्रोमोजोम्स का नंबर 47 हो जाएगा. अगर किसी इंडिविजुअल को मोनोजोमी वाला म्यूटेशन हो गया या फिर ऐसा म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से उसका एक क्रोमोजोम डिसअपेयर हो गया तो उसके पास टोटल क्रोमोजोम्स बचेंगे 45. दैट कंडीशन इज कॉल्ड मोनोजोमी. नाउ द नेक्स्ट इज पॉलीप्लॉयडी. पॉलीप्लॉयडी वो केस है जहाँ पर 3, 4 या फिर उससे ज़्यादा अगर क्रोमोजोम्स के सेट्स के नंबर पे चेंजेस आते हैं तब हम उसको पॉलीप्लॉयडीज में कंसिडर करते हैं. देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीप्लॉयडी. हमने अभी तक देखा अबाउट द म्यूटेशन. अब हमें उन फैक्टर्स की बात करनी है जिसकी वजह से म्यूटेशंस होते हैं. सो वो सारी चीज़ें या फिर ऑल दोज फैक्टर्स दैट कॉजेज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजेंस. एंड मेनली देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटाजेंस. इट कैन बी अ फिजिकल एजेंट और इट कैन बी अ केमिकल एजेंट. फिजिकल एजेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरे. ये बहुत ही पावरफुल म्यूटाजन है. देन गामा रेज, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रा वॉयलेट रेज, ऑल दीज रेज कॉजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशंस. ये म्यूटेशंस कैसे कॉज करेंगे? दे ब्रेक द क्रोमोजोम्स. ये क्रोमोजोम्स को ब्रेक करेंगे, डीऑक्सीराइबोस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या फिर डीअमाइनेट कर सकते हैं और इस तरह से ये डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं. देन द सेकेंड वन इज केमिकल एजेंट्स. नाउ द केमिकल म्यूटाजेंट्स सच एज नाइट्रस एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइल इथेन, सल्फोनेट्स एक्स्ट्रा, दे प्रोड्यूस म्यूटेशन बाई आइदर एडिंग
और सब्ट्रैक्टिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसकी वजह से हमारे डीएनए चेंज हो जाएंगे और हमारे को म्यूटेशन हो सकता है, या फिर हम कहें किसी भी इंडिविजुअल को म्यूटेशन हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी। बाय बाय, टेक केयर।